आज मैं आप लोगों को पीजी का टूर करा रहा हूँ। ये आउटसाइड पीजी का व्यू है, ये रहा मेन गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और ये रहा फाइनली सीढ़ी, जिससे चढ़कर रोज दिन मैं अपने रूम तक आता हूँ। ये मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है और मैं टू सीटर रूम में रहता हूँ। ये फाइनली है एंट्री पॉइंट, ये रहा, और ये मैं अपने रूम में आ गया। ये मेरा बेड है, इस रूम में दो बेड लगा हुआ है, एक बेड पे रूम पार्टनर का है, ये मेरा बेड है। और ये कवर्ड, दो कवर्ड उन्होंने दिया है, और ये मेरा कवर्ड है, इसमें मैं इस रैक पे पूजा करता हूँ। पूजा का सामान है, चंदन है, धूपबत्ती है, प्रसाद है, द्राक्षी माला है, और ये रहा ये आम। बिहार के जो लोग हैं वो तो आम यूज़ करते हैं, मालदे आम, क्योंकि हम मालदे तो मिलता नहीं, जो मिलता है उसी से काम चला होता है। मैं ये रहा रूम का व्यू, काफ़ी ठीक है, अच्छा है। ये रहा विंडो, यहाँ पे काफ़ी ठंड लगता है, वो तो चलते ही रहता है इस एरिया में, जैसे कि बैंगलोर का क्लाइमेट काफ़ी ठंड है, ना ही ठंड ना ही गर्मी, ठीक ठाक क्लाइमेट है यहाँ का। ये रहा वॉशरूम, रूम से निकलते के साथ ये वॉशरूम है जिसको दो लोग यूज़ करते हैं सिर्फ, वेस्टर्न टॉयलेट ऑलमोस्ट यहाँ रहता है। और ये गीज़र लगा हुआ है, एक नल से गर्म पानी और एक नल से ठंडा पानी आता है। ओके, तो काफ़ी फिनिशिंग किया हुआ है, अच्छा पीजी है। और पीजी का रेंट है टू सीटर का यहाँ पे, वो अकॉर्डिंग टू वेरी करता है कि आप लोगों से कैसे बात करते हो, तो कुछ कम वो कर देते हैं। वैसे वो 6500 रुपीस लेते हैं टू सीटर का पर बंदे का। ये किचन भी है, जो किचन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, राउटर लगा हुआ है, वाईफाई भी फैसिलिटीज़ है, पानी भी वही अपने तरफ से देते हैं पीने के लिए। ठीक है, ये किचन में काफ़ी अच्छा फिनिश किया हुआ है, कोई लोग चाहेगा तो ये 2 BHK करके भी मिल जाएगा। और ये मंदिर है, जो काफ़ी समय से इसमें कोई पूजा नहीं कर रहा था, जब से मैं आया हूँ तो इस मंदिर को खोल कर मैं पूजा करना स्टार्ट किया हूँ। इसमें भी लाइट लगा हुआ है। और ये रहा शिव परिवार का मंदिर, और काफ़ी अच्छा है। और ये फाइनली रहा हॉल, काफ़ी बड़ा है, एक आईना भी है यहाँ पे, आप अपना फेस देख सकते हैं। और एक रूम है, ये जस्ट 2 BHK टाइप का फ्लैट है, और ये इस बंदे ने इस रूम को खाली किया, तो ये रूम अभी भी खाली पड़ा हुआ है। अगर इनको रूम चाहिए इस एरिया में तो मैसेज डाल सकते हैं, मैं ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात कर लेना, क्योंकि बेंगलोर को लोगों को बेंगलोर में रूम ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना होता है। वैसे अगर आप सर्च करोगे तो रूम आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, वो सिक्योरिटी मनी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये हम लोग का बालकनी व्यू है, ये बैक साइड बालकनी का व्यू है, और काफ़ी इस एरिया में, जिस एरिया में रहता हूँ, चिकपनवारा पोस्ट एयरफोर्स स्टेशन, ये काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी शांत एरिया, काफ़ी पीसफुल एरिया है। ये आउटसाइड बिल्डिंग्स हैं, कुछ बिल्डिंग अभी भी कंस्ट्रक्शन में चल ही रहा है। और ये देखिए कितना हरा भरा है, जिससे नेचर से प्यार है उसके लिए ये एरिया काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधा है, शांत एरिया है, भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। देखिए बैक साइड व्यू, और ये रहा फ्रंट व्यू बालकनी का, आउटसाइड व्यू मैं दिखाता हूँ। ये फ्रंट व्यू इसी है, ऊपर जाने का 5th मंजिले तक का बनाया गया है ये बिल्डिंग पीजी, ऐसे जस्ट सटा हुआ भी पीजी ही है। बट आप अगर फ्लैट टाइप से लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा इस एरिया में, काफ़ी फ्लैट्स खाली हैं, और सिक्योरिटी मनी यहाँ 25,000 to 45,000 तक लेते हैं। ये फ्रंट का व्यू है, ये ब्लू जो ग्रिल दिख रहा है ये एयरफोर्स का है, बाउंड्री सामने से मेन गेट है एंट्री के लिए। ये फ्रंट व्यू है मेरा बालकनी का, जहाँ आप सामने बालकनी व्यू ले सकते हो और इजीली अपना टाइम पास कर सकते हो। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं अपने पीजी का वीडियो डालूँ, वीडियो बनाऊँ,
और ये रहा नारियल का पेड़ जो फ्रंट व्यू है हम लोगों का वहाँ पे है। थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए।